ये तो आप सभी जानते हैं कि पुराणों में चार युगों के विषय में बताया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़कर सभी युगों की अपनी अपनी खासियत रही है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ दिखता ही नहीं। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई पड़ता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि कलयुग के बाद कौन से नए युग की शुरुआत होगी और कैसा होगा ये नया युग। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय ज्योतिष और पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को चार युगों में बांटा गया है। ये चार युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। भागवत गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है, परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात का होना सत्य है। जैसा कि ऋतु अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित काल अवधि के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा, लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, नदियां सूखती जाएंगी, अन्याय से धन हासिल करने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। लोग धन के लोभ में किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। कलयुग के 5,000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। मनुष्य पूजन, कर्म कांड, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु हो जाएगा। और जब ये आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में बालकों के लिए माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा।
मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह ही नहीं होगी, चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा, मानवता की पुनः स्थापना होगी, मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, लोग पूजन कर्म कांड आदि में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग भी कहा जाएगा। लेकिन प्रिय श्रोताओं, कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी हैं। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। इसी तरह युगों से जुड़ी और भी जानकारी से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। अब हमें इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।